नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 23 जनवरी 2020, और यहां पर हम लोग स्टॉक परफॉर्मेंस की रिव्यू करेंगे। देखेंगे कौन सा स्टॉक जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के थीस्टा सेक्शन में दिया था, साथ ही टेलीग्राम चैनल पर दिया था, लाइव मार्केट में भी दिया था, तो उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, किसमें टारगेट आया, किसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के थीस्टा सेक्शन में दिया हुआ था एक्सिस बैंक का। देखिए, एक्सिस बैंक का वो स्टॉक था एक्सिस बैंक, और शुरू के 5 मिनट तो अवॉइड करते हैं, उसके बाद बाय करना था 715 के ऊपर। 5 मिनट का चार्ट पहले ले आते हैं। पहली कैंडल है और ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, गैप अप ओपन हो गया। 715 से ऊपर हमें बाय करना था। इसने पहली ही कैंडल में जो हाई लगाया हुआ है 736 रुपये का, यानी हमारा लास्ट टारगेट था 733 रुपये का, सारे टारगेट अचीव करके उसके ऊपर खड़ा हो गया वो। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि आपको मौका नहीं मिला होगा ट्रेड करने का, ठीक है, बिल्कुल भी मौका नहीं मिला होगा ट्रेड करने का। कब वो स्टॉक रिटर्न आया ही नहीं, 715 के पास हमें बाय करना था एक बार। हालांकि इसने मौका दिया था, 719 तक का एक लो लगाया था, और वहां से फिर इसने ऊपर की तरफ 727 तक का हाई लगाया, यानी कि यहां से भी अगर आपने बाय किया है तो दो टारगेट आपको यहां से मिल रहा है, और ओवरऑल सारे टारगेट पहले ही अचीव हो गए। तो इस जगह से भी दो टारगेट आपको अचीव हो रहा है एक्सिस बैंक में। दूसरा स्टॉक दिया था दोस्तों मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल का। आज एक्चुअली मैं ज़्यादा देर रुका नहीं क्योंकि मुझे बच्चे के स्कूल में जाना था, स्पोर्ट्स क्या था, एनुअल स्पोर्ट्स डे, तो उसके वजह से बुलाया गया था सारे पेरेंट्स लोगों को। सेंचुरी टेक्सटाइल का स्टॉक देख लेते हैं, या सॉरी ये बीएससी का खुल गया सेंचुरी टेक्सटाइल। तो सेंचुरी को बाय करना था 573 के ऊपर। ये देखिए, ये पहली कैंडल है, ठीक है, ये पहली कैंडल है, इसको इग्नोर करेंगे, ये पहली कैंडल है, ये वाली इग्नोर किया, 573 के ऊपर बाय करना है, 573 के ऊपर बाय करना है। और स्टॉक 573 के ऊपर कब गया, पहले सेल कहाँ, 560 के नीचे, 560 के नीचे आया नहीं तो सेल ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया। 573 के पास ये कहाँ गया, कहाँ पे, यहाँ पे इस कैंडल ने ऑर्डर हमारा ट्रिगर किया, इस कैंडल ने। और पहले स्टॉप लॉस देख लेते हैं, 569 का स्टॉप लॉस था, 569 इस कंडीशन में, तो 569 का ये एसएल हुआ, तो एसएल तो नहीं कटा। टारगेट जो हमारा उसके बाद था, पहला टारगेट था दोस्तों 577 का, वो अचीव हो गया, दूसरा टारगेट था 581 का, वो अचीव हो गया, और तीसरा टारगेट था 585 का, वो भी अचीव हो गया, सारे टारगेट डन हो गए, उसके ऊपर भी स्टॉक गया, यानी आपने एक्सिस बैंक में भी प्रॉफिट बनाया और सेंचुरी टेक्सटाइल में भी बनाया। तीसरा स्टॉक दिया था लार्सन एंड टुब्रो, यानी कि एलटी का, लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी का स्टॉक। तो ये पहली कैंडल इग्नोर करेंगे, गैप अप ओपन हुआ और 1300 के ऊपर बाय करना था। देखिए बिल्कुल इसने ओपनिंग जो किया है 1307 से ओपन हुआ है और सीधा सीधी ऊपर चला गया, तो इसमें इसका मतलब बाय का मौका, आपको पोजीशन बनाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन स्टॉक ने तो परफॉर्मेंस जबरदस्त किया, गर्दा है ना, तो ये भी हमारा सक्सेस ही रहा, लेकिन आपको ऑर्डर लेने का मौका नहीं मिला, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपने प्रॉफिट बनाया एक्सिस बैंक में और सेंचुरी टेक्सटाइल में। अब जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने आज दिया था, देखिए आज मैंने अपने वेबसाइट के थ्रू मैं पोस्ट करता हूँ, तो वो आज मैं पोस्ट नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने लिख के दिया था। अडानी को बाय करना था, अडानी इंटरप्राइजेस को 228.50 के ऊपर में। तो चलिए अडानी इंटरप्राइजेस को चार्ट देखते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस 228.50 के ऊपर में, पहली कैंडल ये है, इग्नोर हो जाएगा, दूसरी कैंडल 228.50 से देखिए निकला, और अगर इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 231.15 का हाई लगाया हुआ है, और आपने यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 230.50 का एक टारगेट है, दूसरा टारगेट है 232.50 का, यानी कि इसने एक टारगेट तो डन कर दिया ऑलरेडी, और उससे ऊपर भी गया, 35 पैसे से बच गया हमारा दूसरा टारगेट भी, 35 पैसे से, कितने पैसे से, एंड 1 रुपये से बच गया, दूसरा टारगेट भी हमारा अचीव हो जाता है, यानी इसमें भी आपने प्रॉफिट कमाया। दूसरा स्टॉक मैंने दिया हुआ था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, 1103 के ऊपर बाय करना था, 1109 का टारगेट, 1115 और 1121, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1103 के ऊपर बाय करना था, ये पहली कैंडल है दोस्तों, इग्नोर करेंगे, 1103 के ऊपर बाय करना था। देखिए इसने एक बार 9 से अगर सेकंड कैंडल से आपने बाय किया है तो इसका परफॉर्मेंस का बताने का जरूरत ही नहीं है, हाई लगाया 1137 तक का, मेरा फाइनल टारगेट था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 1121 तक का, यानी सारे टारगेट उसने डन कर दिए। तो ये हुआ दोस्तों हमारा स्टॉक का एक तरह का परफॉर्मेंस।
जिसमें आपने प्रॉफिट बनाया, एक्सिस बैंक में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, सेंचुरी टेक्सटाइल में, लार्सन एंड टुब्रो में, और लार्सन टुब्रो में नहीं, मौका नहीं मिला लार्सन में, अडानी इंटरप्राइजेज में। अब बात करते हैं जो लाइव मार्केट में मैंने कॉल दिए हुए थे। लाइव मार्केट में मैंने अमारा राजा को 796 के ऊपर बाय करने दिया, 801 का टारगेट था। कितने बजे दिया था? 9:39 पे। अमारा राजा लाइव मार्केट में मैंने दिए थे अमारा राजा को 9:39 पे, 35 यहाँ पे मैंने दिया था। कितना के ऊपर बाय करना? 795 के ऊपर ना, 796 के ऊपर, 801 का टारगेट और 806 का स्टॉप लॉस 791। तो चलिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया 796 पे, 801 का पहला टारगेट अचीव हो गया, डन हो गया एक टारगेट, उसके बाद नीचे आ गया, लेकिन एक टारगेट सक्सेसफुल इसने डन किया। दूसरा स्टॉक दिया था जुबिलेंट फूड को, 1780 के ऊपर बाय करना था, ये भी 9:41 पे दिया था, और 1788 का पहला टारगेट जुबिलेंट फूड 1780 के ऊपर बाय करने दिया था 9:42 पे। तो 9:42 की बात करें, 9:42 यहाँ कहीं पे मैंने बाय करने दिया था 1780 के ऊपर, 1780 के ऊपर, 1780 के ऊपर यहाँ आपको इस कैंडल ने ऑर्डर ट्रिगर किया। स्टॉप लॉस 1772 का था शायद, पहले देख लेते हैं हम लोग, 1772। तो यहाँ पे देखिए एसएल कट गया, बिल्कुल एसएल कट गया, ठीक है, बिल्कुल एसएल कट गया। तो इसने एसएल काट दिया, इसमें हमारा लॉस हो गया, बिल्कुल बात है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से निकला और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके गया, जो हमारे टारगेट थे सारे टारगेट अचीव हुए। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, एसएल कट गया, पहले ही कट गया। यहीं पे देखिए इसने स्पाइक लेके हमारा ऑर्डर ट्रिगर किया, नीचे आके स्टॉप लॉस काट दिया। तो इसमें हमें लॉस हो गया जुबिलेंट फूड में, हमारा राजा में प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने वोल्टास को बाय करने दिया था 705 के ऊपर, और स्टॉप लॉस 700 का था, टारगेट 710 और 715 का। तो वोल्टास का बताने का तो ज़रूरत ही नहीं, मैंने खुद भी वोल्टास में ही एक ट्रेड लिया था। तो अभी मैंने एक महीने का सीरीज चलाया हुआ है कि कंटिन्यू सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, कोई एक स्टॉक से लेके, है ना, मतलब स्टॉक डेली चेंज हो सकता है, लेकिन एक ही ट्रेड करेंगे उस टर्मिनल पर। तो मैंने दिया था 705 के ऊपर में, यहाँ कहीं मैंने बाय करने दिया था, 700 का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस तो बच गया, और सारे टारगेट आप देखिए, 710 का पहला टारगेट था अचीव हो गया, दूसरा टारगेट 715 था वो भी अचीव हो गया। स्टॉक ने जो हाई लगाया 718 या 19 का लगाया, 718 रुपये का हाई लगाया। तो वोल्टास ने भी आपको टारगेट दे दिया। उसके बाद मैं स्कूल की तरफ निकल गया, तो उसके बाद नहीं दे पाया कुछ। तो आपने आज प्रॉफिट अच्छा रहा दिन, एक्सिस बैंक में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, सेंचुरी टेक्सटाइल में, लार्सन में मौका नहीं मिला ट्रेड का, अडानी इंटरप्राइजेज में, साथ में आपका एसएल कटा है जुबिलेंट में, प्रॉफिट आया हमारा राजा में, फिर प्रॉफिट आया वोल्टास में। तो ये था दोस्तों ओवरऑल अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर ईमानदारी से क्यों लगता है तो वीडियो जरूर पसंद कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।